हाँ हाँ बिल्कुल खिलाऊंगा, हो जाएगा। अरे कबूड़ा कुमार, रोटी लेने कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अरे रुको। पापा, उन्हें मत रोकिए। आप तो जानते हैं ना, एक बार चंद्रकांत ने किसी को वादा कर दिया तो वो निभा कर ही रहेंगे। हाँ तो बोलिए, 10 बेल, 5 सेव पूरी और 5 रगड़ा पेटीज। भाई साहब यहाँ रोटी कहाँ मिलेगी? अरे भाई साहब 2 मिनट रुके ना, मैं भूल जाता हूँ। हाँ तो 10 बेल बोले, 5 सेव पूरी। अरे मैंने उसको बोला कि शादी कर ले, वो सुनता कहाँ है किसी की। भाई साहब यहाँ रोटी कहाँ मिलेगी? 5 नहीं 4 भी चलेगी। और क्या हाल चाल है? तो वो रामदास जी कल आने वाले है ना बम्बई। भाई साहब यहाँ रोटी कहाँ मिलेगी? रोटी? हाँ हाँ रोटी, गोल रोटी। रोटी तो गोल ही होती है, चौरस भी आती है क्या? हाँ है क्या? वो ना आपको स्टेशन पे मिलेगी। स्टेशन पे मिलेगी? यहाँ रिक्शा भी नहीं दिखाई दे रही है। गंजे पापा बहुत भूखे हैं। हाँ वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, और सुनो हो सके तो एक दो और अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल कर दो, समझे? ओके। अरे ढबूड़ी, एक कलाक थई गो, वो ढबूड़ा कुमार रोटी बनाने गया या लेने गया है? बस बस पापा, अभी आते ही होंगे। इसका तो बस ये लो, आ गए। बाबा वो गंजे बाबा थे, वो कहाँ गए? अरे बच्चा, वो तो मनमौजी फकीर आदमी है, एक जगह रुकता नहीं है, चला गया होगा कहीं। हिमाली तूने ध्यान क्यों नहीं दिया? चंद्रकांत अभी तक तो यहीं पे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या हिमाली तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वो 2 दिन से भूखे हैं। देखा ना ढबूड़ा कुमार, क्या फायदा हुआ रोटी लाने का, इससे तो अच्छा होता लड्डू ही खा लेते। ससुर जी, लड्डू से मन भरता है लेकिन पेट की आग रोटी से बुझती है। सर, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसे मिलता ही है, और अगर नहीं मिला तो उसका मतलब है कि उसके भाग्य में है ही नहीं। तो क्या कहना क्या चाहता है? सर मेरा मतलब है कि उस गंजे बाबा का आप टेंशन मत लो, अगर उसके भाग्य में है तो उसे कोई ना कोई रोटी खिला ही देगा। सर हम रोटी खाए, नहीं तो लंच टाइम पूरा हो जाएगा। सर कर, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है और ये लोखंडे सर फोन पर फोन कर रहे हैं मुझे। आहा चिपलुनकर, तुम्हारे टिफिन की खुशबू ही कुछ अलग है। सच कहूं हिमाली भाभी के हाथ में तो जादू है जादू। और उनकी बनाई हुई ये भिंडी आलू की सब्जी लाजवाब है, लाजवाब। चिपलुनकर आज एक काम करते, तुम मेरा टिफिन खा लो और मैं तुम्हारा, खिलाओगे ना सब्जी और रोटी? बेटा रोटी खिलाएगा ना? इस गंजे बाबा को रोटी खिलाएगा ना? गंजे बाबा को रोटी खिलाएगा ना? हाँ मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। अरे पर मैं खुद खा लूंगा। नहीं मैं खुद खिलाऊंगा बाबा। बाबा ये बाबा
बाप इतने प्यार से खिला रहे तो खाइए ना। आप खाइए गंजे बाबा, खाइए आप। बाबा का चक्कर क्या है सर? वो हुआ यू कि ऐसा हुआ सर। ओ, संभालो अपने आप को, संभालो चिपलुनकर। बाबा गंजे बाबा ने दो दिन से कुछ नहीं खाया। अगर खाएगा तो सिर्फ रोटी खाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। खिलाओगे ना? चंदू हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बुक पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो आप उल्टा क्यों बैठे? हाँ? किताब उल्टी क्यों पकड़ी है? चल, आपके मन में जो भी विचार है वो निकाल दीजिए और ये सौंफ खाइए। नहीं 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 चाहिए। क्या हुआ? कितनी अजीब बात है ना हिमाली, हम हर रोज पेट भर के खाते हैं, ऊपर से सौंफ भी खाते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। चंदू, आप अभी भी वो सुबह की गंजे बाबा वाली बात से परेशान हैं? ना? इतना मत सोचिए। देखिए, आपने तो पूरी कोशिश की थी ना, पर अब बाबा की नसीब में रोटी ही नहीं थी तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, चलिए सो जाइए, ज्यादा सोचिए नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप श्री कृष्ण शरणम ममा बोलिए, मन को शांति मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी। चल सो जाइए।
बेटा, तूने बहुत इंतजार करवाया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो सिर्फ दो रोटी ही मांगी थी तुमसे, और तू वो भी नहीं ला सका। मुझे बहुत भूख लगी, मैंने कुछ नहीं खाया। तू मुझे रोटी खिलाएगा ना? मैं तुम्हारी कब से राह देख रहा हूं। तू मुझे रोटी खिलाओगे ना चंद्रकांत? बोलो, तू मुझे रोटी खिलाओगे ना चंद्रकांत? मुझे रोटी खिलाओगे ना चंद्रकांत? तू मुझे रोटी खिलाओगे ना चंद्रकांत? खिलाऊंगा बाबा, खिलाऊंगा, मैं रोटी खिलाऊंगा बाबा। चंद्रकांत, क्या हुआ? चलिए सो जाइए, सो जाइए। आज आची खिलाएगी। हाँ हाँ पापड़ लेके आना। हाँ। और सुन। हाँ बाबा। मिर्ची लाना काट के। हाँ लाती हूँ। और तुम उसके साथ काकड़ी भी लेके आना। जो चाहिए एक बार बोल दो ना, ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे हो, होटल में बैठे हो क्या? सॉरी। चंदू रोटी देगा? रोटी खिलाएगा क्या? पापा बिल्कुल खिलाऊंगा। लो बाबा, और एक लो बाबा, खा लो बाबा, खा लो गंजे बाबा। हाँ डरो मत गंजे बाबा, ये लो बाबा। चंदू क्या कर रहा है तू? मैं बकासुर थोड़ी हूं। अरे एक तो रख। बाबा वो चंद्रकांत गंजे बाबा वाली बात को लेकर परेशान है, रात को भी नींद में उठ गए थे। चंदू तू गंजे बाबा के लिए रोटी लाने गया था, मगर जब ही तू वापस आ गया तब तक बाबा चले गए, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? हाँ पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ और तेरे टेंशन लेने से बाबा को रोटी मिल जाएगी क्या? नहीं आई। फिर देख चंदू, गलती दो प्रकार की होती है, एक जानबूझकर की जाती है वो गलती, और जो गलती से गलती होती है वो गलती। तूने तो जानबूझकर गलती नहीं की। लेकिन बाबा मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि मैं अपने हाथों से गंजे बाबा को रोटी नहीं खिला पाया, इसलिए अब तक वो भूखे होंगे। इतना निगेटिव क्यों सोच रहा है तू चंदू? माना कि तू वो गंजे बाबा को रोटी नहीं खिला पाया, लेकिन किसी ना किसी ने तो खिलाई होगी ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ पापा, हम आपको ऐसे टेंशन में नहीं देख सकते। कुंदन किधर गया बेवकूफ? ले मैं तुमने घर में ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ खड़े हो। अरे यू क्या कर रखा है तुमने? आइसक्रीम की बासुंदी क्यों बना रहे हो? वो मालिक साहब, वीर सिंह ने मारे को यहाँ आइसक्रीम लेके खड़ा रहने के लिए कहा तो वो मारे को यही मिलने वाला है। अरे बेवकूफ, तब तक तो आइसक्रीम पिघल जाएगी ना। हाँ हाँ मालिक साहब, पिघल तो रही है। अरे तो तेरे में बिल्कुल अकल को नहीं है? जब देखो रुपए का चमन निकम करे है तू गधा। अरे मैं बाद में करता हूँ। क्या राज सिंह भाई, काहे डांट रहे हो बेचारे को? थोड़ा धीरे बोलो ना। अरे धीरे से तो बोलूं, पर उससे इसकी बेवकूफिया थोड़ी ना कम हो जावे है। बे काम कर, जब वीर सिंह आवेगो तो नई आइसक्रीम ले लांगे उसके लिए। अभी फेंक इसको। अरे ये क्या, मेरे जूते पे ही फेंक दिया? अरे कुंदन बेवकूफ, मेरा मतलब था कचरे के डिब्बे में फेंक दे इसने, तूने यहाँ फेंक दी नीचे। मालिक साहब आपने तो मारे को फेंकने के लिए कहो तो मैंने फेंक दी। ये करूँ मैं खरा,
अरे यार मेरा जूता खराब हो गया। लाइए मैं साफ कर लेता हूँ। रहने दो, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं मैं साफ कर लेता हूँ ना। कुंदन जब दुबे जी कह रहे हैं वो खुद साफ कर लेंगे तो करण देना, अपना काम आदमी को स्वयं करना चाहिए, है ना दुबे जी? तू आ जा। ठीक है जी, साफ कर लो। कर ले दुबे जी अपना काम, स्वयं हो गई यार। चल मैं निकलता हूँ। गंजे बाबा, चंदू 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 मेरी बात तो सुनो। चंदू कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? वो गंजे बाबा कहाँ गया? नहीं चंदू यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं था? चंदू आप ऐसे ही परेशान रहोगे और आपको कुछ हो गया तो? नहीं हेमाली मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए आज आप ऑफिस नहीं जाइए। नहीं नहीं हेमाली मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। प्लीज चंदू। नहीं मैं ठीक हूँ। संभल के जाइए। हाँ भगवान, मेरे चंद्रकांत लोगों के दर्द से परेशान होते हैं, उनके अशांत मन को शांति दो, शांति दो। हिमाली भाभी साहब क्या बात है, बड़े परेशान लागो हो, और चंदू भाई साने के हो? क्या बताओ रूपमती भाभी, कल हम वो टेकरी वाले मंदिर गए थे ना, हमारा खाटू श्याम जी, वो गंजे बाबा को चंद्रकांत रोटी नहीं खिला पाए, उनकी वजह से वो भूखे रह गए। इस बात को लेकर चंद्रकांत बहुत परेशान है, मुझे डर लग रहा है इस वजह से वो कहीं मुसीबत में ना आ जाए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। ओहो यो तो भाभी साहब एक उपाय है। क्या? देखो चंदू भाई साहब ने यो दुख है कि वो गंजे बाबा ने रोटी कोई ना खिला सके। हाँ। तो आप यो करो कि आप किन्हीं 11 गंजे लोगों को खाना खिलाने की मन्नत ले लो। पर ऐसी मन्नत लेने से क्या होगा भाभी सा? मारे बापू सा हमेशा कहे हैं कि मन्नत मांगने से, व्रत रखने से मन को शांति मिले है, एक संतोष मिले है, और फिर के पता आपके मन्नत मांगने से चंदू भाई साहब के मन को भी शांति मिल जावे। मेरे चंद्रकांत की मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हे गणपति बाप्पा, मेरे चंद्रकांत के अशांत मन को शांति मिले इसीलिए आपके सामने मैं एक मन्नत लेती हूँ कि आने वाले मंगलवार को मैं 11 गंजों को खाना खिलाऊंगी।